एवरीवन, मैं मोनिका मशीन से ब्लॉग से। तो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ तुलसी ब्लॉग। तो हम लोगों ने तो तुलसी का जो पूजा किया था वो थोड़ा सा आप लोग को शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई गाइस, क्योंकि पूजा करने का टाइम हो गया था और मैं जो ट्राईपोड है वो टूट चुका था। तो मैंने हाथ में थोड़ा सा जो बनाया है वही मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जिस तरह जो करो मैं चाहे साथ ही बताया को जरूर प्रेस कर सकते हैं अपलोड होने के बाद। तो हम लोगों ने पहले दिए जला लिए हैं, पूजा की तैयारी थाली मैंने तैयार करके रखा हुआ है, और तुलसी जी का जो विवाह होता है हमें हम लोगों से छोटी दिवाली बोलते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद जो तुलसी विवाह आता है हम तो उसे छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। उस दिन भी फटाखे फोड़ते हैं और वैसे ही विधि विधान से पूजा करते हैं। देखिए, सबके यहाँ लाइट लगा हुआ है, सब रंगोली बनाए हुए हैं। मैं भी थोड़ा सा मैंने चौराहे के पास ही पूरे चारों तरफ जो है तीनों तरफ रंगोली बना दिया है और दिए भी जला दिए हैं। बस अभी पूजा करने वाले हैं हम लोग, और मेरे जो हस्बैंड है वो पर दिया लगा रहे हैं। बहुत दिन बाद आए हैं, मेरे ब्लॉग में तो नहीं आते हैं। और मैं थाली हम लोग पर पूजा कर चुका है, मैं थोड़ा सा बस ऐसे जो बचे हुए फूल थे उसे मैं डाल रही थी भगवान के उसमें। और गाइस, हम लोगों ने ऐसे ही विधि विधान से हम पूजा करते हैं तुलसी विवाह का, क्योंकि ये पर्व भी बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि तुलसी पूजा के बाद से शादियां का जो मुहूर्त होता है ना वो स्टार्ट होती हैं, शादियां होती हैं, और हम सब इसी तरह से तुलसी विवाह बनाते हैं। गाइस, मैंने पूजा करने का तक वीडियो नहीं ले पाया, क्योंकि पहले भी तो मेरा ट्राइपॉड जो टूट चुका है, और सभी लोग इसी तरह से पूजा किए हैं। तो इसी तरह से दिवाली का जो छोटी दिवाली का पर्व है उस दिन फटाखे फोड़े जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, जो प्रसाद है वो बांटे जाते हैं। मैंने थालियाँ में जो आंवला जो रहते हैं ना, शक्करकंद, चना भाजी, बेर होते हैं और सिंघाड़ा, इस तरीके से मतलब जो बस वो चढ़ाया जाता है